is your boy Numan Maksud with another video, and today in this video we are going to react on Bollywood upcoming new movie the Tashkent 5. So ऐसे में जो था काफी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि भाई यार मूवी के ट्रेलर को जो है वो रिलीज हुए 11 से 12 घंटे हो चुके हैं और अभी तक जो है YouTube के ट्रेंडिंग पेज पर जा रहा है लेकिन आपका रिएक्शन जो है अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। तो अब जो है उस वीडियो के ऊपर यानी उस ट्रेलर के ऊपर ही जो है वो हम रिएक्ट करने वाले हैं। सुना यही जा रहा है कि इस टाइम काफी इंटरेस्टिंग मूवी और ट्रू इवेंट और ट्रू स्टोरी है। तो ऐसे में जो है यार ट्रू स्टोरीज मुझे काफी पसंद है और ऐसे में ट्रू स्टोरीज जितनी भी मूवीज है उनको देखना मैं काफी पसंद करता हूँ। उम्मीद यही करता हूँ कि ये मूवी का ट्रेलर जो है वो भी काफी मजेदार होगा। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी गलती हुई हो तो माफ करना। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दूसरा ताशकंद जाता है, वॉर ट्रीटी पे साइन करता है और मर जाता है। सैकड़ों सस्पेशन होते हैं लेकिन एक इंक्वायरी कमीशन भी नहीं बैठता है। ये इस देश के मुंह पे ऐसी काली है जिसे मिटाने की 50 साल में किसी सरकार ने कोशिश नहीं की। व्हाट रोज शास्त्री जी के साथ क्या हुआ था? वाज इट अ हार्ट अटैक और वाज इट अ स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर? लोग सच नहीं सच की कहानी सुनना पसंद करते हैं। राइट शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? उस दिन शास्त्री जी को थर्मस में दूध किसने दिया था? क्या उसमें से उन्होंने बजर या बेल दबाया क्यों नहीं? क्योंकि वहां बेल या बजर था ही नहीं। क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? शास्त्री डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, एवरीथिंग एल्स इज अ लाई। लाल बहादुर शास्त्री का केस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवर अप है। अरे शास्त्री जी क्या खुशखबरी लेके आ रहे हैं? सच जानने का करेज आप में से किसी में है? 125 करोड़ के लिए क्या सही है क्या गलत, ये चॉइस करने के लिए करेज की जरूरत होती है। लुटियंस दिल्ली पे कब्जा यानी पूरे देश पे कब्जा। विजिट पाकिस्तान विजिट केजीबी, सच क्या है? क्या वो कौन था जिसने भारत के माथे पे लिख दिया था इंडिया मस्ट फॉर सेल? अभी सिर्फ शास्त्री जी के बारे में, एक सिटीजन के राइट के बारे में। शास्त्री जी का क्यों नहीं? वो केवल शास्त्री जी नियम से किसी का फर्क नहीं होता। विवेक वर्जन 12 अप्रैल। बहुत 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 आला यार ट्रेलर जो था काफी मजे का था और वाकई में मजे का होगा क्यों नहीं, जबकि टोटली मूवी जो है वो डिपेंड करती है ट्रू स्टोरी के ऊपर। या ट्रू स्टोरीज इससे पहले जो थी केसारी वो भी ट्रू स्टोरी थी, वो भी मूवी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मज़े की थी, उस पर भी जो था मैंने रिएक्ट किया था। तो आपको जो है इसमें आई बटन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन बात अभी करते हैं ताशकंद की, अगर प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी भी गलती हो तो भाई पहले ही माजरा चाहता हूँ। लेकिन ये चीज़ है कि शास्त्री जी जो कि पीएम थे इंडिया के, तो किसने मारा, कैसे मरे, किस वजह से मरे, कत्ल था क्या नहीं था, पूरा जो है आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। और काफ़ी मज़े की जो है ट्रेलर था, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा मज़े की जो होगी वो होगी मूवी। आई कांट वेट टू सी दिस मूवी यार ऑन
12 अप्रैल। तो ऐसे में जो है मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अभी से जो है इस मूवी के ट्रेलर का तो अभी चर्चा हो ही रहा है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। तो ऐसे में यही चाहता हूँ कि ये जब मूवी रिलीज हो 12 अप्रैल को तो पूरी दुनिया में जो है इसका चर्चा हो और सामने जो है लोगों के सच आए कि आखिरकार शास्त्री जी को जो है वो किसने मारा। तो ऐसे में यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो काफी मजे की लगी होगी, काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो अगर आप एनएस की हरकतों को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन। तो ऐसे में जो है मैं ऐसे ही मजेदार और मसालेदार वीडियोस जो है वो आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिनसे होता है आप लोगों को बहुत सा फायदा। तो उम्मीद करते हैं एक नए वीडियो में होगी मुलाकात। अब तक के लिए चाहता हूं आप सब लोगों से इजाजत।